और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दंगाइयों से सख्ती से निपटेगी धामी सरकार। राज्यपाल ने दी संपत्ति क्षति विधेयक को मंजूरी, दंगाइयों से होगी क्षतिग्रस्त संपत्ति की पूरी भरपाई। लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी, प्रदेश में दंगा फसाद करने वालों पर कसेगी नकेल। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा ये विधेयक। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, दंगाइयों से सख्ती से निपटेगी अब धामी सरकार। राज्यपाल ने संपत्ति क्षति विधेयक को मंजूरी दे दी और दंगाइयों से क्षतिग्रस्त संपत्ति की पूरी भरपाई की जाए। लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश में दंगा फसाद करने वालों पर अब धामी सरकार नकेल कसेगी। सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से पूरी रकम वसूली जाएगी। संपत्ति की भरपाई के अलावा 8 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो उत्तराखंड में दंगों और आंदोलनों पर सख्त कानून लागू कर दिया गया। इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से की जाएगी। राज्य में किसी दंगे के बाद हुई सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली किए जाने की तैयारी की जा रही है और सूबे की सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया कानून लागू कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सके। राज्य के अंदर दंगा प्रदर्शन आंदोलन इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या समूह यदि सार्वजनिक संपत्ति को या निजी संपत्ति को हानि पहुंचाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति का उसको भरनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति उसे करनी पड़ेगी यदि संबंधित विभाग या निजी संपत्ति वाला मालिक उसको उसमें क्लेम करेगा। तो साथ में उसमें ये भी है कि यदि किसी को कोई ऐसा नुकसान हो जाए, जैसे आंखों की दृष्टि चली जाए, श्रवण शक्ति खत्म हो जाए, अंग भंग हो जाए, सिर और चेहरे का विरूपण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी उसको अलग से नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। कोई भी परिसंपत्ति को नुकसान करे, चाहे केंद्र सरकार के हो, चाहे मतलब देश की परिसंपत्ति है, राज्य और सब मिला के करे, तो वसूली होनी चाहिए और ये रुकने भी चाहिए। लेकिन बात इस बात की है कि किस नीयत से कानून लाया गया है। मैं देख रहा था किसी मंत्री का बयान था कि बनभूलपुरा का उसने जिक्र किया, तो उसमें यह भी बताना चाहिए कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। भाई आजादी से आज तक तो बनभूलपुरा में कभी कोई दंगा नहीं हुआ। जब आपने 45 के पट्टे, 52 सन के पट्टे, सन 1943 के पट्टू को मानने से इनकार किया, वहां के सरकारी इंटर कॉलेज खुले हुए को आप मानने से इनकार कर रहे हैं, बैंक की शाखों को मानने से इनकार कर रहे हैं, तब वहां जाके भी आप जब घरों से लोगों को बेघर करेंगे तो और पैनिक करेंगे तो कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें यह भी देखा जाना चाहिए दंगों में कि किसकी वजह से दंगे प्रवोक हुए, क्या वो सरकारी मशीनरी थी या कोई व्यक्ति विशेष था या कौन था दंगे कराने वाला जिसने ऐसा माहौल बनाया। सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर राज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को मंजूरी प्रदान करने पर माननीय राज्यपाल एटी जनरल गुरमीत जी का हार्दिक आभार। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है और इस कानून का राज्य में कठोरता से पालन कराया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि राज्य की शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है, इस हेतु हम प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।